सारे मदरसे मौलाना अब्दुल गफ्फार अब्दुल जब्बार बाबरा सेशन पाक सारे मदरसे कारी रूप किस्म दे होंदे एक पानी पत्ती मंजरा दूध पत्ती पत्ती दा फर्क है और पीर तरीका ते ऐलान कर तवीज दे ना दे ना और ते हो निगरा निगरा परचे बताओ मैं ने कुछ जैन पकड़े हो खले खांदा रा सा बुढ़ी को जैन भूल जा करे त बंदा गुनहगार भी होंदे बीमार भी होंदे बेरोजगार तो मनी आ जाए चंगी हुकूमत है मौलाना रहमतुल्लाह अलैह आजाद थी गए से हम फरमाते प्यान जड़े तना बुलाए तो ढकी सो वाह पाकिस्तान महमूद को नारे मारी बैठे चंगा पाकिस्तान बनाए हुए गरीब दी खंड पत्ती का ही नहीं खाद अरे मेरे को मोटर साहब खाद मैं खाद अभी ला रहा कल करो खाद महंगी थी कि मैं क्या करा पेट एक बार को मतलब पेट दे आई पेट सारी बर्बाद थी ये अपनी जाल आबाद नहीं घर घर बात करे قال النبي صلى الله پڑھو بیٹھے نا مدرسہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قوم دی عزت قوم دا وقار فخر والی کتاب اقو اللہ دا قران ہے انہیں میرا سجے کب میرے بھتیجے بیٹھے میرے بھتیجے رہے میں تو کچھ نہ मुँह फट आदमी हकानी जो बढ़िया होता कौड़ी गाली करें ये नाराज थी बस तुझे आजकल सुने फाकुल मदारस का वजीफ है तरगीब ना वजीफ है मैट्रिक पहले करो कुरान बाद जाग दे बेटे नाराज थी क्यों ना ये गाल अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है लेकिन ये कोई वाइजाना खतीबा ने गाल नहीं अल्लाह की कसम है अल्लाह सारी इज्जत कुरान च रखी है कुरान दे समंदर दे मोती खत्म थी दे कोई अल्हम्दुलिल्लाह तुसा लोग ना ही तुहाडा महमूद कोट मुफ्ती महमूद अकबर रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सिद्दीक साहब अकबर रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक हैं सिद्दीक दा बहु लकब रखी हुए अल्लाह निस्बतें बदनाम करन करन बचावे आमीन मैं ज्यादा गाल नहीं करदा मेरे भतरीजे बैठे नाल मैं जानदा लेकिन मौलाना सिद्दीक साहब मुफ्ती सिद्दीक साहब सिद्दीक उन्हें दा किरदार तुसा जानदे हो मेरे को ज्यादा मैं भी जानदा जेल जी तहज्जुद ते कुरान पढ़दे रह गए जेल 77 तक पता है केड़ा दौर रहा अल्हम्दुलिल्लाह अज महमूद को रोशन है इदो मैं हुनो मैं बस हमेशा रास्ता बोल बे रोज आंदा महमूद कोट रास्ता बोल बे कई महमूद कोट स्टाप इन वाली ई मन वाली ई मन वाली तो बस्ती है मोल मुगेरा साहब ने सही ना तो ठीक कोई नहीं तो मेरा एक दोस्त था वो जन्नत में थे वो हाजी महमूद था इवन से ओ जनाब मस्जिद बनवा गए जलसे उन्हें इनकलाब आया पहले क्या जिंदगी है बोला जलसे इनकलाब आया जलसा इमाम रसूल मौला अब्दुल शकूरदीन रहमतुल्लाह अलैह कैसे लोग हैं ताए तक मुबारक होवे मौला अब्दुल गफ्फार साहब अब्दुल जब्बार साहब इवन से क्या ना जने दे मेरे करीब बालता हूँ ऐसे सारे जायज हैं माशा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल उस्ताद साहब रहमतुल्लाह जी कब्र रोशन है मुजाहिद बंदा ये इलाके मेहनत की तुसा तामुल कीते गरीबी अमीरी बिच तुसा अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत बिच है बहिश्त बिच है अल्लाह ताला सब मुवाहिदीन दे कब्रां ते मर्द बीबियां दे कब्रां ते अल्लाह ताला बारिश फरमावे रहमत अल्लाह कब्र दे अज़ाब को बचावे या अल्लाह मजमे को देख मंजर को देख लोगों को देख आए अल्लाह तेरी मेहरबानी है जो जलसा आको नबी दी सुन्नत है आको ना सही जलसा अंबिया दी सुन्नत है
नबी रसूल सुन्नत है। जुलूस इस्लाम कोई नहीं, भाई लख जुलूस कटो, बाजार बुरी जाए नबी से फरमान है। قال النبي صلى الله شر البلاد اسواقها सही फरमाया, बाजार बुरी जाए और मस्जिद पाक टुकड़े। मैं तो मुबारक देना को अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम सामने फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह सुनदा करे। चारों सूबे दा मैं सयाह हाँ, कराची दे मनोड़े तो पिशावर कोड़े तक, रबी अलावा रबी उसानी ये तुसा बैठे वे मर्द बीबिया डी को जलसा जलसा अब्दुल गफूर आ पीर बस्ती है कोई तौसा, कमाल लोग हैं, वड़ी खैरात वड़ा जलसा वड़ा मजमा। अल्लाह ताला सब दे दी रात पारी तरह बनावे, अमीना को क्यों उन्होंने त्रय सीजन चलते पे थोड़ा थोड़ा लाओ, मैं पता सामान लाना तुम्हारे नाथ खां पेट्रोल कट गए, माफी बैठा मांगता बस अलाओ बैठे बस ढेर जान दे मेरी अपनी कंपनी मल हाथ मारते कल पसंद मातम करते शुरू थी वैसे थी वैसे मान ला जवाब दो बैठे त्रय सीजन कितनी रबी अलवल विलादत उन्नबी अजमत उन्नबी सीरत उन्नबी मदात उन्नबी हयात उन्नबी वफात उन्नबी जमात उन्नबी त्रिय सीजन जोर ना चल दे पेन वल जनाब आली दूजा सीजन शादियां अमीनता को थके बैठे बैठे घरों मार खा बैठे बैठे होले होले आकर शादियां हो ते तीजा सीजन मिलाद ये पकई वजो तुसा तो नुमाइंदा लोग जलसा नबी की सुन्नत है अंबिया की सुन्नत है जलसे थींदे रास और तुसा लोग सारा फखारी वे मुबारक होवे पाक अल्हम्दुलिल्लाह तुसा साबित कर दिते पाकिस्तान इश्क रसूल दा मरकज जुमरात खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस किले थे उलमा को पूछो दू फिर के परेशान हैरान हैं मुल्तान सारे दफ्तर मुल्तान होंदे इनक पता हकानी तू पढ़ते आंदे सारे खतीब अदीब लवड़ा कहानी बनावे तो वो कासिम बाग दा ग्राउंड पारक किला कदे ही नहीं बढ़िया ना भरिया लेकिन तो को मुबारक होवे अगो सदका सही दे खत्म न बोलता मिल्लत इस्लाम दे कायद आलम इस्लाम दे बतले जलील सानी मुफ्ती महमूद मौला फजल रहमान साहब कमाल की थी बातल कातल दे सामने हक आखना है कमाल है हुंदा कम है या मैं मुंह फट बंदा है ये जान दे इंशाल्लाह पाकिस्तान को तुसा लोग कुरान दा किला बना लेते ये गाल याद रखा है ना सतावी रमजान आजादी जशन आजादी केड़ी क्या मतलब तुसा कुर्बानी दीती है रेलां भरी जाए लाशें उलमाए देवबंद फांसी चढ़े अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल मुजाहिद तारीख खत्म नबूवत जेल पढ़ो वाकया सुन बैठे वे लाहौर दा रावी दरिया चिट्टा पानी सुर्ख थी गए लाशा ना सैयद जादा जान सिखां दे घर विच हिंदुआं दे घर विच अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने पाकिस्तान को कुरान दा किला बना दिया छावनी बना दी रोशन कर दिते कुरान ना तुसा हजरात को अल्लाह बरकत पावे तारी कारोबार रोजगार नौकरी वे मजदूरी वे दुकान मकान है आमीन ताको बैठे दुआ दिन शस्ते तो मने दिन मैं इन्हें कुआदा सटे सट अग भी नहीं कुआ क्यों मेरा इश्तहार हूँ पुराने थी गए हूँ पीरे तरीका दिलान कर तवीज देना देना और देना पैसे वापस मुश्किल बंदी सदके चंगे वही बिजनेस साइड बिजनेस अल्लाह खिलदा आसमान
अजवली रात है, सारी रात अल्लाह जाग दे सारे वास्ते। बीमारा न खले का न बुझे का न लुटी पैसे। पीर साहब तो खुद बीमार है, अल्लाह तो सी गल तो औखी की मेल सी। सुभान अल्लाह, उठ सुभान अल्लाह लगे न पे, सुभान अल्लाह ठीक है। मैं तो तुसा बैठे पुरानी जा रही है। तो हुआ गाल में आता हूं ना, मैं मार्शला जेल च हम जाओ रखती मार्शला कैद बा मुशक्कत। तो सुबह ने ऐलान किया मैं हया कराए, ये मौलवी दियो बंदी है, इनको आदत है हक आखन, ये बुरी आदत है। हाकिम मार्शला के खिलाफ ढकील पे 9 महीने कैद बा मुशक्कत, वड़ा मौलवी है। बस जेल दी बारा खुल दी वजे या गोड़ से मक्खियाँ कटा थी वन कैदी कटे। वो सब दुआ करो, मैं बद दुआ कर ना तो आपको सर्टिफिकेट अल्लाह मौलवी जी सुन दे बेदी नहीं सुनता। मतलब वो रब को बयान कर जाते कीड़े मकोड़े सुन दे। ये कुरान कीड़े वाली सूरत का ही नहीं, कबीली आ रही है। अल्लाह होता सही, कबीली कबीली क्या है? अल्लाह को उनका अकीदा पसंद आ गए, उनका यकीन पसंद आ गए। आज 5-6 फुट कद औरतां ताजिए तबूत ते कबरी ते रुलदा मरसन। अगर कबीली का किरदार अकीदा अल्लाह को पसंद आ गया, क्या मत कुरान सूरत बना कर लंबी गाल है। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात थी गई, अल्लाह ने कबीली की गुफ्तगु सुनाई नबी को, आखो ना इवें कह सुनाई ये। तो ख्याल कराए वाला बीमारियां कई हैं पाकिस्तान में, अल्लाह बीमारियों तो बचावे। असो दरूद शरीफ पढ़ते हैं नबी से फरिश्ते पहुंचे किमें कैंसर की बीमारी है, अल्लाह बचावे आमीन। तुसा को कबीली की सुन की थी नबी ने कबीली वाला सुलेमान सलाम ये बड़ी तफसीर है जय रूहुल मानी। उन्हें लिखा दुआ की थी अल्लाह से यहाँ ही चीज के मेरी मुलाकात करा, मेरे ना खड़ी गिनती है मेरा बादशाह नबिया ये खड़ी आज ख्याल करो खड़ी में बार बार ना निकलो वाला ला याते मन्ना को। मदरसा है ना मैं दाखिला, मेरे दोस्त मदरसा मौलाना अब्दुल्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह बाल भतीजन आखो ना ला याते मन्ना को व जुनूद हो तूफानी लश्कर आंदा पे प्रोटोकॉल नाले जिन्नात हुद हुद पक्षी दे सब कुछ ना। इतना बड़ा नबिया तख्त लथे कभी ना तुसा क्या हो आज के खड़ी में ना निकलो। वो ही समझो वजीर आजम बेनजीर साहब आई आज ना निकलो बाहर, उनके कारोबार ना करो रोजी ना करो ना रिताड़ा बैसो। उनके क्यों नबी को पता कहीं नहीं वो कभी नहीं तो आका जब वहाँ पे नहीं तो सुनियो सो मेरे ख्याल हाँ वहाँ भी ना बनो पीर फकीर की गाल करो कभी नहीं वहाँ पे नहीं पढ़ो बेटा मदरसा में दाखिला मदरसे पुरान से भी आए बैठे वहमला या शरू वहमला पेरे तलो जड़ी मखलूक के नबी को पता खोल हो लेता आपको बाहर आवाज ना पहुंचे नबी को पता नबी दे वजीर मुशीर साहबा को क्यों ना दे कुरान आते जो अल्लाह नबी को कबीले जी का सुनाई अल्लाह खुश थे ना आखो ना वहाँ बैठ जो असा पीरे फकीर आ रहे चौक पूरे शहर कहीं नहीं बैठे मेरे ख्याल चौक पूरे शहर और देखो जा दरबार से ठाठा लग गया ज्यादा भी ना समझे दे उस जुम्मा ने ना मोल सारी स्वर निकल दी बहुत सारी जा ताबा पीरे फकीर वाले ने तेरे सामने देरा गाजी खान सारे जल से होने लो ओ वली जरा सखी सरबर आको बे बखील है हूँ मैं जलसा कर रहा बस मेरी तौबा है जलसा शादी दा आके ने शादा लोन वो है जिंदा पीर बे मुर्तन शदु जिंदा है न सड़क न पानी पीवर दा अल्लाह कबूल करे तबा अल्लाह कबीली दी गुफ्तगू नबी को सुनिया को सच है फतबस्सम ज़ाहिकम हाँ नबी खिल पे आको नबी खुश ना खुदा खुश
नबी सुलेमान सलाम अल्लाह से मेरी मुलाकात कराई ने ला रूहुल मानी तफसीर से मुलाकात कराई सुलेमान सलाम फरमाए तू मैं को जानती हूं कहे सच्चे नबी भर को जान दे सुभान अल्लाह सच्चे नबी को हर कोई जान दे कूड़े को जान दे कोई ना ओए तलबा वो ताले बैठे हुए उनका मेरे ख्याल मुराक बैठो सुम बकम बैठे हुए तो मुबारक हो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना जो आवाज क्या करे ना जो बंदा गुनाहगार असा गुनाहगार है अल्लाह बख्शे सी आपको बैठ दे सी बैठे ही वास्ते हैं उनके मेहमान है ते बंदा बीमारी होते मेरा किस टाइम वाले कोल ये फालिज का हमला थे अल्लाह को मिन्नत की थी अल्लाह ने हस्पताल तो उठा सटे ही थे मिला यकीन दी गाल है तो बंदा गुनहगार भी होते बीमार भी होते बेरोजगार तो मनी आ जाए चंगी हुकूमत है मौलाना रहमतुल्लाह अलैह आजाद थी क्यों से हम फरमाते प्यान जड़े तना बुलाए तो ढकी सो वाह पाकिस्तान महमूद को नारे मारी बैठे चंगा पाकिस्तान बनाए हुए गरीब दी खंड पत्ती का ही नहीं खाद अरे मैं को मोर साहब खाद मांगे मैं खाद अभी ला रहा कल करो खाद महंगी थी मैं क्या करा पिट एक हुकूमत जो पिट दे आई पिट सारी बर्बाद थी ये अपनी जाल आबाद निकल जा रहा घर आबाद करे दुनिया का पागल बैठे दिया नशई भंगई तो कहीं नहीं सुना मीडिया का दौरे अगर भंग रहा मैंने सेंस लेना वाह वाह इस हुकुमरान है वाह किस्मत कौम वाह किस्मत कौम समझी अब आए दीन दी जंग है दीन दा मदरसा है खबरदार दीन दे खिलाफ कोई बदमाशी बर्दाश्त न थी सी जागते बैठे हो हीत पीटी दी हुकूमत मौलाना बकवास की थी जानी शराबी हुकूमत है ये जुलूस कटवाए इस्लामाबाद जा औरता मुल्तान लाहौर जा औरता बेपर्द बेदीन बेहया छटिया फिटिया जहान जा बाजारी उन्हें जुलूस कटे सुनी बैठे हो मीडिया तो कोल है झूठे तो लाना थे मदरसे जलसा सराना रबीउल अव्वल मौके मुबारक हो रबी दे महीने उन औरतें को कोई पर्दा बुरका कहीं तो अरे जट्टा मुटन तो आप क्या पता ने तफ्तीश की बैठे हुए ने कड़ा कपाओ उन चावल छिड़वाओ ता इन्हों का ब्लड सही रहा सी ठीक है तुम चंगी नु सफीट ना तो वजन वाद वाक करे सन बजा वाक अल खड़ान कोई पर्दा बुरका कहीं नहीं मुबारक हो पीटे वाले मुबारक हो वो खड़ान ते जुलूस पुलिस को आर्डर आ सद के थे पुलिस की तनख्वाही हलाल है हिफाजत करो साहब वाले को मारो शहीद करो ते इन्हें हिफाजत करो ये कौम दिया और ताइन जुलूस क्या हमारे जैसा हमारी मर्जी जागते बैठे हुए माना क्या ऐसा को निकाह करो आजाद करो गाल सुनो पुराने लोग हो तो सा कुरान तो सारे दरमियान है अल्लाह के अजाब को दावत है उनके मुकाबले कराची जैसा शहर है रोशनी का शहर उतना औरतें जुलूस कटे सिर तो पेरे तक बुरका सिर तो पेरे तक पेरे को पर्दा आखो ना तुसा ना करा यार खबर ही बैठे घर बैठे सा उसी गाल बैठे कैसे बंद करो मैं मेरा कैस ना बहुत समझे ना औरत दे पेरे को पर्दा बुरका है आजकल शादी ना ख्याल करा मतलब कुटीज बहो शादी सीधा ने कोई गाल ना करे आप घर पहरा निभाए जेले वल सेन वालो क्या होंगे वो वरी सुई तसे का डांस ते वाला ढोल का ते आजकल मेरा से सीधा ने पड़ा समझे ना लेकिन औरतां तुम्हारे किरदार को मुबारक हो कराची दा औरतां जुलूस का डे सिर तो पेरे तक बुरका पर्दा मुतालबा के जुलूस क्या है जिसम हमारा हुक्म अल्लाह का डूनर जिसम हमारा मोहब्बत खामन की ये कुरान दा मदरसा है तलबा को मुबारक हो अल्लाह मेरे को बड़ा हकानी बनावे रबानी बनावे आमीन दा को
दुआ तो पाबंदी पर पास है माशाल्लाह इवन दे तबा इन औरतें को कुरान ने सलामी देती है इन्नल मुस्लिमीन वल पढ़ो था कुरान आया इन्नल मुस्लिमीन वल वल मोमिनीन वल वल कानितीन वल कानितात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائم آمين تاكو بيتے والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تاكو آمين ابا पाकिस्तान अच्छा मुल्क है मर्द औरतें उलमा ने कुर्बानियां दी हैं इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद में कातिल बातिल के सामने खड़े मैं वल तो मुबारक पे देना को अल्हम्दुलिल्लाह मैं यो बात बता करना बंदा गुनाहगार भी है बीमार भी थी दे अल्लाह ताला बद नसीब ना बनावे नौजवानों तलबा बच्चे बुजुर्गो दुकानदारों जमींदारों अल्लाह की कसम है बद नसीब बदबख्त बदकिस्मत इलाज कहीं अस्पताल कोई नबी वली को कहीं गाल को समझो ही मुल्क दवा क्या है पिछले साल आपको पिशावर हाई कोर्ट पिशावर बंदा जज के सामने वकील के सामने खड़ा दे मैं नबिया मिर्जा गुलाम का दे नबिया मैं मसीह माऊद हाँ अगली गावन में कहना मन मुगरा नाराज थी वैसी मैं तो खतीब के खिलाफ हूँ मैं खतीब कोई नहीं ही वक्त दौ दौड़ा मैं माफ़ी मंगा ही नहीं करो पारे मैं गरीब हाँ ही वक्त दे खतीब दे मैं खिलाफ हाँ खिलाफ हाँ खिलाफ हाँ देवबंद बदनाम थे ना बदनाम नस्बत बदनाम थी ना पे देवबंद किरदार पढ़ो क्या अक्सर ये लोग आए मैं तो खतीब था मेरा कम पैसे मुकाऊना अल्लाह तो सही सुबह इस सुबह लाए वाह 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 चल सुन दो नाथ खान मार भी थी बैठे हो और जोड़ी गई सारा जोड़ी कहीं तेरा छुट्टे बंदा पिट दे वो मार तो पी दे बैठे सुबह ला को लाहौर वाला को से ला देवबंदी वाय ते मुबल्लग ते खतीब ते मुक मुकाओ ते बकरा रेट होने मोहम्मदपुरी बकरा आजकल चलता पे चिट्टी नसल लालपुरी बकरा आजकल देव बंदा रेट है ये पता है जान दें ये खाम खा लाइन मारी बैठे मेरे भतीजे में पता है खुद मुके दिन से दें शाबाश मुबारक वाद देव बंदवा सद के देव बंद कबरा खुश थी सर अस्तग़फ़िरुल्लाह ला हौल वला पैसा पैसा जब बंदे को होश ही ना हो तो क्या आवाज सुन दे सब सुभान अल्लाह कंपनी गाल को समझो मैं तो खतीब थम जब मैं मन ने पीरे तरीका मेरा ऐलान करो मैं तवीज देना देना और ते और तो नहीं गया हूं मैं पार्टी बजाऊं ते बुढ़ी को क्या जन बहुत हो दिखे खास बड़ा बिजनेस है दियो पंडे तो कर देखो बोले तो फार्म में आता बोर्ड ला मदर से सारे इताले माहिर अमलियात जिन्नात शयातीन और कारोबार देख छोटी नाल रख बचे बेटा छोटी अल्लाह फरमाए देव बंद ले मेरी जात को छोड़ दे वैसे खले का सन मंदे का सन किराए मुका सन पैसे पूरे कर नाराज ना थी भाई मेरा कहानी कौड़े नाराज थी वैसे मगर नबी ने फरमान था मैं नौकरा आमना दलाल दा महीना विलादत उन नबी रा बड़ी दुआए नबी से जाग दे बैठो थोड़ा थोड़ा قال النبي صلى الله عليه میں پابند ہاں سید فرمان دا نوکراں اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه امین تا کو اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امین علامہ اقبال بڑا قابل آدمی ہے ترجمہ کی دے اگر حق بات کہتا ہوں اگر سچ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ پاتا ہے ہی دور ایسا حکومت حکمران پاکستان پاکستان واسطے سارے بزرگ جیلاں کٹیں ہون کٹیں دے پن مارا کھان دے پن ہون ہن مارا کھان دے پن اس واسطے تو مبارک پہ دے رکھو الحمدللہ
गाल भुला ले जाए थके बैठे हुए ना मार पीते बैठे हुए नाते जी ये नात नहीं हकीकत है बंदा हाई कोर्ट पिशावर खड़ा दे मैं नबी हाँ मिर्जा गुलाम कादिर नबी हाँ मसीह माऊदा मैं तो जानता महमूद कोर्ट गरीब हो अमीर हो मुबारक हो अको अलहमदुल्ला ये लोग पुत्र हर मदरसे में जल सकते चंदा कीते मैं फकीर हाँ मदरसे का वकील हाँ अल्लाह राजी रहे तुसा गरीब अमीर बच्चे दिते माल दिते कुर्बानी दिती है मैं मिलत इस्लाम दे कायद आलम इस्लाम दे पात्र जलील अमीर उलमा वाला औलिया मौलाना फजल रहमान दे कठे में दे बंगले मीटिंग पे करे नाम उंदा वाले दर्जी है अल्लाह सारे दर्जी है बढ़ावे छोटी दाढ़ी रखी है पिशावर मस्जिद इमाम शरीक हा मैं मौलाना तो पता ही जो तालिब केड़े मदरसे दाई लीडर आसमान थे पर सुबह पिशावर दफ्तर है जमीयत वोट है तालिब है मैं कैसे मेरा मेरी ताकी के तालिब है मेरे रेलिवेंट मरकज था ये छह नंबरी बैठे मतलब सात नंबर यहाँ नंबर था फर्क मतलब खिल दे रहा था वही तालिब जा रेलिवेंट वाले मैं बिल्कुल या बोला मैं मौलाना को आके दी वो जड़ा ना वो गुस्ताख है रसूल ओ मर्दूद मलऊन सोने नबी दा गुस्ताख उनको हकूमत रखे कड़े सर्द खाने में मतलब मुगीरा ये तोरे मुरीदन तू ना था घर में गुना नहीं आता छड़ा होंदे कमरा हो ओ लाश सर्द खाना अलाउ तो सही को गाल मुक गया ये ना जी या ना होंदे अंग्रेजी में गुनी आती मैं के मौलना पता करो जे इमरान खान इंदा अचार पावने पीटे वाले इंदा मुरब्बा खावने तो मौलाना एस पी पिशावर को फोन किया वो तो पठान है मेरी सक्की पठानी है मैंने उसके अलावा पके बता वो मामा मैं गए ये बस अगो मेहरबानी कर पछतो फरिश्ते को समझ नहीं परेशान थे ना जर कवाए डोडाई खोराई चाय गुआड़ी बस खत्म मैं ये ढेर में मौलाना पछतो एस पी पिशावर को फोन किया यार हर लावारिस लाश को आप दफन कर देते हैं इस मर्दों को क्यों रखा हुआ है आपने क्या करना है इसको ओ महमूद कौर दुकानदारो ड्राइवरो अमीरो गरीबो जे तबके दे लोग आज दे बाद तौबा करो देवबंद चाकी चौकीदार नामों से मोहम्मद दा मर्जी आज पिट्टो कुट्टो गाओ खाओ जो कुछ बनो कबरे ना मिट्टिया पटते चटते खाओ जो लेकिन देवबंद जबान दराजी ना कराए मैं गवाह बैठा देवबंद वकील झूठे थे लाना थे देवबंद को अल्लाह दा अर्श सलामी करेंदा पे अल्लाह ने आसमान से बैठे देवबंद को चौकीदार बनाए नामू से मोहम्मद दा खत्मे नबूवत का जो तरफदार नहीं ला रहे वो जन्नत का हकदार नहीं मर्द आओ आशिक रसूल नबी से हदीस सही ज़ियारत बढ़ा के मुश्किल ये मुश्किल है महबूब का दीदार आसान कोई नहीं वो बाल जीने जनती है असा जन्नत वास्ते बैठे अल्लाह आख नुटी सी अल्लाह कबर जन्नत बड़े सी अल्लाह सब बाइश दे सी बैठे ही वास्ते हैं उन्हें मेहमान है वरना ही सीधा ने मिले मेरे नाल बकर सखर तौसा जरा गज खान जुलो ही सीधा ने ओ बुजुर्ग ओ बीबे ओ बच्चे ही सीजन में चंगे भले पढ़े लिखे हुकुमरान अफीसरान मुसलमान ही वक्त रात को शादी जरिए गाने बजाने ढोल लानत बसती भी है शादी आको नबी दी सुन्नत अलाओ ना शादी सोने नबी दी अगो मोहम्मद अरबी दी उम्मत अल्लाह राम तान मौला अब्दुल शकूर दीन पुरी रामतुल्लाह जान देव तो सा उन्हें जमात सारी बना कर मजलिस उलमा अल सुन्नत मौला फरमान किवें पेश थी सर मोहम्मद अरबी ने क्या मुंह लिखे सर नबी भी उच्चा अको नबी दी बिरादरी भी खानदान भी पूरे शाहिर बिरादरी होंगी यार कहीं दी बिरादरी शादी सरदार दी शादी पैसे वाले दी शादी पैसा जान देव तो सा
नबी सियां को सरदार आन सरदार जादे आन हजरत अब्दुल्ला दादा अब्दुल मुत्तलिब सिर्फ तो कांडा कन से मैं कांडा तो है जुलो सी बड़ी शादी है खामन गावन सुनी बैठो कुरान हदीस मरकज पूछो सही वेंदे बिन रस्ते बिच आवाज है गाने दी जागते बैठे वे होले होले यार हाँ बस खिलाफ है गाल तो अरे खिलाफ घर न साए रोला पाए वैसे इतनी बात माशाल्लाह आवाज है ये गाने दी डोल नगारे दी बजाने ये गाने दी आवाज है ये आमना दे लाल दे कदम मुबारक चमक गए चिमट गए दी में मिकनाती ना लुआ चिमट गए से उजुलो इमशो जुलो से फरमा बनियो मैं मोहम्मद अरबी को अल्लाह पैदा की दे मेरे कान भी पाक अल्लाह तो सही दे कान भी सही दे अखी भी सही दे हाथ भी विलादत नबी सीरत नबी दे जल से सुन दे बैठे हो क्यामत तक बयान करो समंदर का किनारा मिल वैसे आमन दिलाल निशान का किनारा कोई ना मर्दी ने सही ना यारी लिए ये मदरसा है ना मदरसा मौला अब्दुस्तार ए मेहनती बंदा हा बाल मेहनत करें दे असा मंग दे पिन दे तुम्हारे को चंदा जकात सदका उशर बाल माल ए मदरसा बा असा तो लेबर है आको मदरसे दा बानी मौत में असल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु लंबी तारीख है उन सहाबी को कितनी जन्नत मिली है सही जो मदरसा बनया नबी सही वास्ते आको बैतुल्लाह आको ना बनया सारे नबी सही वास्ते बनाने वाला अब्बा खलीलुल्लाह नक्शा देने वाला अल्लाह पियू मां भारी भरकम पत्थर चाहते गर्मी सर्दी प्यासे भूखे अल्लाह दा घर बना खड़े बैतुल्लाह सुनी बैठे निसाबे तालीम आको कलामुल्लाह मुअल्लिम मुतर्रस मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमात बने उजाल हिजबुल्लाह अला इन हिजब अल्लाह हम अल मुफलिहून इस वास्ते अब्बा हर नबी चले गए मौजजात भी चले गए सारे नबी जिंदा सही दा मौजजा कुरान भी कुरान वाली जमात सहाबा भी सुन दे बैठे हो महमूद कोट वाले अल्लाह दी कसम है रब्बे काबा दी कसम है जिन्हां दे कोल कुरान है उन्हें और बड़ी दौलत है तुसा गरीबां दे कच्चे घर में जाना कच्ची बस्ती में सत सत कुरान दे हाफिज कारी अको अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुगीरा साहब सलाना बड़े कारी मंगवा दे कुरान दी बारिश करवाने देखो ये कुरान है कुरान दी ठाट लो थोड़े को मुक्सी कोई ना रोज नमा ताजा ताबा सहाबा सुनी सही मदरसा खोले आको दार अलकाम जल्दी बोले ना पहला मदरसा अल्लाह ताला गुजारत नसीब करावे बादशाह ने माल देते ले पट्टी लगी खड़ी दे दामे रो पोना मोहतमिन साहब चंदियाले हजरात मौलिम साहब मुदर्रिस साहब ए पहला मदरसा है जना बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पहला तालिबे कपड़े का दुकानदार आको सिद्दीक अकबर सारे सहाबा सिद्दीक ओ बन गया अबू बकर सिद्दीक अकबर हेलो ना पीछे मुदा क्या काम है दुकानदार दुकानदार बैठे ना महमूद को डरे हैं तू सही में बस सुभान अल्लाह मतलब गाल पकाओ छा सिद्दीक अकबर सवेरे मक्का मुकरमा कपड़े दुकान खुलेंदा कुरान भी अल्लाह उठा तो गुरु बैठा दा तो कुरान खोलन बैठ गया इमें गाल है बस सुभान अल्लाह सिद्दीक अकबर दुकान ही खुलेंदा कुरान भी पूछो सारे मदरसे मौलाना अब्दुल गफार अब्दुल जब्बार बाद से सन पाक सारे मदरसे कारी रूप के समझे होंगे एक पानी पत्ती मंजरा दूध पत्ती पत्ती का फर्क है सारे मदरसे मौलाना अब्दुल गफार अब्दुल जब्बार बाद से सन पाक सारे मदरसे कारी रूप के समझे होंगे एक पानी पत्ती मंजरा दूध पत्ती पत्ती का फर्क है समझे ये मिस्री मंगवाने मुगैरा साहब समझे कुरान दी ठाट दिखाने वास्ते ठाट है कुरान दी अल्लाह दी कसम है सिद्दीक उमर उस्मान अली अमीर मुआविया अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह सहाबा तिलावत करे ना सोने मोहम्मद अरबी की किरात दी खुशबू फैल दी है
शागिर्दाने रसूल असा जलसा की बैठे उन्होंने लोगों वास्ते जिन्हों को सब कुछ है, पैसा है, दौलत है जी, लूहा चांदी सोना सब कुछ है, कुरान कहीं नहीं, महमूद कोट आए मुबारक हो तो कुरान कहीं नहीं, ईमान कोई नहीं, लख गर्ब दी है अपने मोमिन मोमिन बोर लावन नाल दुकान नहीं बनती जी, सौदा ना हो कुरान का सौदा सच्चा 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 सौदा सोना सस्ता सौदा अल्लाह ने देवबंद को दिते। मैं हूं टागू आराम का टाइम है थके बैठे हो, मैं तो खैर लूहे का बंदा नहीं आवाज कितने आया मेरा बाल बात मुख्तसर मैं कोशिश तक करें ना मतलब बद बंदे क्या करा डॉक्टर आज रात जलसा लगा मैं तुरा प्यू करे सी मैं ना करे तू करे सी डॉक्टर चीर चीर पान वाला दावा इडे है बखर और इडे इडे है सखर सखर दा नमा दा मेरे बाल देख हैं नाथ खान दे दोस्त मेरे कबरी गए पे मेरे नाल हन हुन भी देख हैं नमा लारी अड्डा सखर दा शिकार पर रोड जैक मां बाद रोड नमा दा वडा अड्डा बणे अड्डे दे बाद चंद कदम मजो सिंधियां दे पुराने कब्रिस्तान त्रै साहब दा कबरी है मशहूर साहब दा मजार है सिपाह मदद सामना दे अगे रस्ते तंग थे ढह पौंदा से हुन पत्थर दा रस्ता बणिया पे सहाबा दे कबरी दी बरकत नाल महमूद कोट दे नौजवानों मुसलमानों बुजुर्गों बीबियां बच्चे बुढ़े तालिबे इल्मो सहाबा दी बरकत सहाबा दी करामत इश्के कुरान वफादारी सहाबा दी यारी सिंध दा पुराने कब्रिस्तान त्रै मशहूर सहाबा दे कबरी मुबारक दी बरकत नाल पूरा गोठ कुरान दा हाफिज सिंधी सन गोठ उत्थां मैं हमेशा जलसा करेंदा सारा गोठ मेहमान नवाज जागते बैठे ना सारा गोठ नाराज ना थी भाई मैं मुल्तान की शिकायत कर रहा मेरा दफ्तर मुल्तान है तो हकानी बन दे पढ़े ना मुल्तान दे मेहमान नवाज है थी रोटी तो ना खा सो तुम्हारी गल नहीं हूँ गर्मी है बंदा प्यासा बैठे गर्मी प्यास लगती है जी चाह पानी तो ना पी सो वाह वाह ये मेहमान नवाजी है रात ना दिखो ना दिख सो मेरे पे मुल्तान की शिकायत तुसा ना नाराज ना थी मेरे यार हो तुसा सिंधे की मेहमान नवाजी मैं गवाह हाँ मेरे बाल दोस्त वेंदन मेरे कट्ठे सिंध चंद आमाल सिंध में सिंध की सखावत मेहमान नवाजी उलमा की मोहब्बत जमीयत उलमा इस्लाम इश्क कुरान सिंध चलता ही आमाल नाल पे औलिया दे कोट समझे से वला तेरा आखो ना वड़ा सूबा पंजाब है और सूबा वड़ा पंजाब का सूबा है ना से लेकिन तो कोई सिंधी नजर कह ना सी महमूद कोट गुजरात कुरैशी मोड सिंधी कोई सिंधी रेल बांधन कराची तो हैदराबाद तो बासू लांदे वैसे जले रोड़ी आसी लांदे वैसे दहर की आसी खाली थी वैसी सिंधे को ऐसी रेल पे वही पे मुल्तान लाहौर पिशा बस ये सफर परदेश ना भी जाऊं परदेश ना भी जाऊं सिंधे को मेहमान नवाजी अदब खिदमत कुरान उलमा दी मोहब्बत सिंधे को अल्लाह सिंध घर में रोजी दे दावे घर में पंजाब सिंध में पठान सिंध में बलोच सिंध में पंजाबी सिंध में मैं गवाह हूं पूरे बॉर्डर तक मैं जेल कटी उमरकोट आखिरी मेरा किस टाइम उमरकोट जिला है किस टाइम थरपारकर जिला है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की मेहमान नवाजी अदब अमल अल्लाह घर में रोजी देता पे अल्लाह सब नसीब फरमा गाले पे करना बाबा जो अल्लाह ने देवबंद को नबी दी नामूस चौकीदार बना दिया इंशाअल्लाह अज के बाद जो मर्जी मिलाद मनाओ मिलाद तुसा वाह भी तो क्या पता अज मैं तुम्हारे चरा गां हूं एक हैरान थी गया तकड़े थी गए माशा पहले मैं जलसा कर ना भी था हूं तो बोले तो गफार ऐसी माशाल्लाह ता हूं मिलाद गावन खावन मजे करो मुगरक पता कह नहीं मेरे मुकाबले मेरा जलसा होंगे
ये भी पासू वाला आवाज औरतें ना स्पीकर है पर मियां मैं तो आवाज क्या करे ना विलादत उन नबी खत्म नबी सीरत उन नबी सीरत उस सहाबा ये हजरत तुसा आवाज करो तो ये क्या है तेरी मिलाद है तो अगले ने सामने शुरू थी तुसा समझी मैं माशाल्लाह देवबंद बनना तो करना की वजह से तो से शुरू है सुनी लेकिन हमको कुरान सच्चा है कुरान कुरान आके औरत की आवाज को पर्दा नमाज को भी होना लाए तो सा नमाज को भी सलाह तो कभी बैत के नबी से फरमाए इस वास्ते मर्द बीबिया अल्लाह सबको नमाजी बनावे अल्लाह मुल्क को नमाज नसीब फरमावे मतलब कुछ ऐसा है कहने में जो मैं सारी जिंदगी घर बेचते शुजाबाद में लारिया देते मेरा घर तो अड्डे आखते शुजाबाद इसी मोल साहब मकान बेच गए मकान भी सस्ता ही था मैं बेवकूफ़ था हाँ बेवकूफ़ ही नहीं लेकिन मैं इन्हें मुक मुका करा मो मुल मुगेरा नाल मेरी ठाठ है मैं इमाम बेवकूफ़ हाँ अपना घर बेचते जमीन बेचते जायदाद बेचते यह बुढ़ी कार मैं बुढ़ा कार ही बुढ़ी रो नहरे टपेना हूँ नहरे रास्ते क्यों मजबूरी है जो नाथ खान साहब सना खानी वाइफ साहब खतीब साहब तौहीद शान रिसालत नबी से निशान कुरान मुल्तान डेरा गाजी खान लाहौर पाकिस्तान शाम दे टाइम को बस्ता कंडक्टर ट्रांसपोर्टर अल्लाह दे अज़ाब मुताबिक ना करे ऐलान कर दिया बस वे पे कराची लाहौर भावे लोग उम्र वास्ते वे हज वास्ते वे टका टका पैसा जमा करते ये बस वेंदी पिए किराया भी घिन सू तो सारी रात का को जिना का गाना भी सुने सू नाराज ना थे गाल मेरी कौड़ी है रात ए जा राती के जा रहा रबी अलवल रबी उसानी जमा जरा रजब शाबा रमजान शरीफ लोग टका टका पैसा खर्च करते हज उम्र वेंदे पे लेकिन छट्टा फिट्टा ड्राइवर कंडक्टर ट्रांसपोर्टर आधे में किराया घिनसा सारी रात को जिना दे गाने भी सुने से पर गाने भी इंडिया दे तुसा तो खैर हूँ बयान सुने मोदी बा को अच्छा क्या आखो मोदी अच्छा पता करे सो कश्मीर को फिल्म ना गाने ना अल्लाह खुश रखे तालिबान को कुरान दी करामत कुरान दी बरकत कुरान दी पावर अल्लाह दी ताकत अलाउ तो सही है पश्तो वे कौन तालिबान को मदरसे तालिब अलाउ तो सही मदरसे तालिब पश्तो के सन तालिबान कहते ने जी इन हम ना समझे टोपियां ले ये बड़े खतरनाक है दहशतगर्द है उठी पर मदरसे विचो अल्लाह मदद को आ गए बुदाना मुल्ला उमर को फोन आता बला तहनु बला तहजनु अलाउ तो सही मदरसा है ना सुबह अल्लाह मैंने यह कहता हूँ काफिर ना पढ़ो ओ ठीक है सुबह अल्लाह ठीक है मेरी गाल सुनो मदरसा है पढ़ान पढ़ा वला तहनू वला तहजनू व अंतमल आलाउना अंतमल अगो एक शर्त में तर्जमा में कि तर्जमा शर्त है तो सूफी लोग नाराज थे तो सुबह अल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगो शर्त अंतमल आलाउना इन कौन तुम तफसीर पढ़ो आलिम बैठे बिल्कुल तो मुझे तर्जमा चिल्ले का नहीं राज ना थी भाई मैं बिस्तरा तैयार की थी खड़ा तो अगर साहब मेरा भिरा है एक आम तबलीग होने बे बेहोश तबलीग होने नाराज ना थे ड्राइवर डाले बैठे सुनी बैठे उन बयान समझ मेरे भिरा का बिस्तरा लाहन दे कहीं चढ़ा खड़े अल्लाह तो माना मैं तो जमीन बेच गया कोई जमीन रखी बनी कणक पक्की खड़ी बदो तो बुजुर्गो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह काम कर दे अल्लाह आसी तेरे सर चला मन बड़ा बस ये भी वक्रा जवान है मैं हमेशा कार रखता हूँ पीछे मेरे भतरी जाकर अबा तू जो का कुरान थे नमाज थे चिल्ले थे उन मस्ते तस्पी चाचा जी को कार होंगी है मैं कार ये कार